तो सर सबसे पहले तो हमने जब समूह का गठन किया था तो 10 लोग थे हम लोग, तो हमने मतलब 10 लोगों ने जब समूह बनाया था तो उसके बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ से NRLM में हम लोग जुड़े, तो उसमें जुड़ने के बाद हमें 10,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिले थे। उससे हम लोगों ने सर मसाले बनाने का काम किया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हमें गवर्नमेंट की तरफ से और हेल्प मिली, हमें 35,000 रुपये की धनराशि भी वहाँ से मिली। उसके बाद सर हमने लोन करवाया और धीरे धीरे करके हम लोगों ने अपना काम बढ़ाया। तो मेरे समूह ने बिस्किट बेकरी का काम स्टार्ट किया, तो अभी उसका टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा है, तो हमारी महिलाएं अभी भी बेकरी पे काम कर रही हैं। उसके बाद फिर हमने ग्राम संगठन बनाया, तो ग्राम संगठन में हमारे सारे मतलब 10 समूहों का हमारा एक ग्राम संगठन बनाया, तो सारे समूह हमारा अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं अभी, तो सभी का अच्छा टर्नओवर है। मतलब जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज की डेट में वो बैंक जाती हैं, बैंक से लिंकेज करती हैं, लेन देन उनका अच्छा चल रहा है। तो मतलब अच्छा है, हम यही बोलेंगे कि मतलब गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है स्वयं सहायता समूहों को लेकर, तो बहुत अच्छी स्कीम है। तो इसमें आगे भी मतलब अभी भी जैसे पहले 10,000 रुपये हमें रिवॉल्विंग फंड दिया जाता था, तो इस साल से वो हमें बढ़ा के मतलब 20,000 रुपये कर दिया है, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जो CIF है, CIF का भी मतलब जो लाभ है वो हमारी प्रत्येक महिला को मिला है। तो आज की डेट में अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम मतलब हम लोग तो सिर्फ घर तक सीमित थे सारी महिलाएं हमारी, लेकिन इस समय मतलब कोई मशरूम उत्पादन कर रहा है, कोई बेकरी ग्रोथ सेंटर पे काम कर रहा है, कोई डलिया टोकरी बना रहा है, एफन आर्ट हमारे क्लस्टर से, हम अभी क्लस्टर के ऑफिस में बैठे हैं, सभी बहनें हमारे कन्हैया मेरा क्लस्टर के हैं। तो हम लोगों ने विकास भवन में भी हमने एक बड़ा सा एफन आर्ट लगाया हुआ है, तो उसमें भी हमारी बहनें सब मिल के काम कर रही हैं। और भी मतलब सीजनल हम लोग सीजनल काम भी करते हैं, जैसे मशरूम उत्पादन करते हैं, तो हमारी ये बहन मशरूम का काम करती हैं, तो इसमें भी मतलब इनको अच्छी नॉलेज भी है और एज ए ट्रेनर भी ये काम करती हैं। और मतलब हर कोई अपने में सक्षम है, ये दीदी भी मशरूम दीदी कहलाती हैं ये, तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये हमारी गीता बहन है, मतलब हर कोई, जैसे इन्होंने भी मतलब अपने उन महिलाओं को आगे किया है जो मतलब घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज के डेट में मतलब हर कोई यहाँ पे सारी, लेकिन जिसने भी लाभ जो हमें मिला है वो सब समूह के माध्यम से ही मिला है। तो हम मतलब गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि ऐसी स्कीम चलते रहे, जैसे NRLM का जो प्रोजेक्ट है हम चाहेंगे कि वो बढ़ जाए और भी, ताकि मतलब हमारी सारी महिलाएं और भी लाभान्वित हों।